प्रदेश में मंगलवार 8 जून से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होगी। सरकार ने इसे मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 का नाम दिया है। अनलॉक कम मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा। दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में देर रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने बाजार खोलने का समय बढ़ाने का सुझाव दिया है। अब मुख्यमंत्री गाइडलाइन को मंजूरी करेंगे। सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। अब अगर हम अनलॉक 2 में कौन कौन सी चीजें खुली और बंद रहेंगी इसकी अगर हम बात करें तो अनलॉक 2 में ये चीजें खुल सकेंगी। मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार खुल सकेंगे। सभी सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट मिल सकती है। फल सब्जी की दुकानें मंडियां खुलने का समय सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बढ़ना संभव है। डेयरी दूध की दुकानों का समय बढ़ सकता है। बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूट 4 बजे तक खोलने का समय बढ़ सकता है। ई मित्र आधार केंद्र 4 बजे तक खुल सकेंगे। निजी वाहनों के पेट्रोल पंपों से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल डीजल भरवाने के समय में बढ़ोतरी होना संभव है। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा का समय बढ़ना संभव है। ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति मिल सकती है। चाट पकौड़ों के ठेलों को अनुमति मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी तो अनलॉक 2 में इन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी। शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। हाट बाजार मेलों पर पाबंदी रहेगी। एसी मार्केट मॉल्स एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स स्विमिंग पूल जिम ऑडिटोरियम स्टेडियम पार्क गार्डन बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज कोचिंग लाइब्रेरी बंद रहेंगे। सभी ही तरह के धार्मिक राजनीतिक सामाजिक समारोह बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक केंद्र पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो इस तरह से अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी जा सकती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हुआ है। हमें अभी भी सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप मास्क जरूर पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा और भीड़ भाड़ से बचिएगा। हमने जो कोरोना की दूसरी लहर में लापरवाही की थी वो हमें नहीं करनी है और कोरोना से हमें बचना है। और इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।